हेलो स्पिरिट, हाउ डिड यू डाई? कौन है? बैठा हुआ था मैं, स्पिरिट को बोल रहा कि प्लीज आप मेरे को अपनी प्रेजेंस दिखाओ। बहुत जोर से नॉक सुनाई दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज की वीडियो गाइस थोड़ी डिफरेंट है, मतलब कि ना मैं पिछले एक महीने से ना 3M चैलेंजेस तो मैंने पिछले एक महीने से अभी तक किए हैं, लेकिन मैंने ना कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं करा पिछले एक महीने से जिसमें ना मेरे को कोई रिचुअल करना पड़े, लाइक जिसमें ना मेरे को कोई या तो चांट करना पड़े या तो कुछ बोलना पड़े घोस्ट को बुलाने के लिए। लेकिन आज मैं अपने वही 3M चैलेंजेस जो मैं प्रॉपरली करता था उसकी तरह एक चैलेंज करने वाला हूँ, जिसमें हम ट्राई करेंगे स्पिरिट से कनेक्ट करने का। एक रिचुअल परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम ट्राई करेंगे स्पिरिट से कनेक्ट करने का। तो आज का जो चैलेंज है गाइस उसका नाम है घोस्ट पेपर चैलेंज। काफी ज्यादा टाइम से गाइस आप लोगों के रिक्वेस्ट आई थी मेरे को कमेंट बॉक्स में कि अंकुर भाई घोस्ट पेपर चैलेंज करो, घोस्ट पेपर चैलेंज करो, हमें घोस्ट पेपर चैलेंज देखना है। तो आज मैं फाइनली घोस्ट पेपर चैलेंज लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए गाइस। इस चैलेंज को करने के लिए गाइस हमें सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है, एक कैंडल की, एक मार्कर की और ना खाली शीट्स की जरूरत होती है, जो ब्लैंक पेपर होते हैं ना A4 साइज शीट उनकी जरूरत होती है। तो इस चैलेंज के लिए गाइस हमें एक दरवाजा चाहिए होता है। हम ना कैंडल जला के एक रिचुअल करते हैं, रिचुअल करने के बाद हम ना पेपर पे अपना सवाल लिखते हैं, सवाल लिखने के बाद ना हम दरवाजे के नीचे से ना स्लाइड करते हैं पेपर को दूसरी तरफ। कुछ टाइम बाद ऐसा माना जाता है कि अगर आप रात को 3 बजे चैलेंज कर रहे होते ना, तो कुछ टाइम बाद ना पेपर वो दरवाजे के ना उस तरफ से वापस आपको स्लाइड करके आता है, उसमें घोस्ट ने आंसर लिखा होता है। जैसे सपोज करो अगर मैंने घोस्ट को पूछा कि हाय हाउ आर यू और मैंने दरवाजे के नीचे से स्लाइड करा, तो हो सकता है कि घोस्ट है ना वो खुद से जवाब लिख दे कि आई एम फाइन हाउ आर यू, ऐसा मेरे को वापस लिख दे। और अभी रात के ऑलरेडी 3:13 हो रहा है, जैसे देख सकते हो भाई अभी रात के 3:13 हो रहे हैं, तो ऑलरेडी डेविल आर हो ही रहा है। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू परफॉर्म दिस रिचुअल। देखते हैं कि आज हम किसी स्पिरिट से कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं। और अब लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलो लेट्स गो। ऑलराइट सो गाइस, तो जो जो रिचुअल के लिए हमें चीज़ चाहिए होती है वो सब मेरे पास है। ये कैंडल है, दिस इज द मार्कर जिससे हम लिखेंगे, ये मैच बॉक्स है, ये ड्राइंग नोटबुक है, इसके अंदर मैंने एक रिचुअल लिख रखा है, एक चैंट लिख रखे है जिससे हम स्पिरिट को बुलाएंगे। तो सबसे पहले अभी हमें कैंडल जलाना है, उसके बाद ये चैंट पढ़नी है। इसमें ना रिचुअल में ना ये चीज़ें लिखी हुई हैं, जस्ट सी दिस, स्पिरिट ऑफ द डोर वी वेलकम यू, मेक योर सेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू। इसमें लिखा हुआ है कि स्पिरिट जो डोर की जो स्पिरिट है, वी वेलकम यू, हम आपका स्वागत करते हैं, मेक योर सेल्फ प्रेजेंट, खुद को दिखाओ, खुद की प्रेजेंस को दिखाओ एंड कम थ्रू और आ जाओ। और ये हमें 3 बार, जैसे कि आप देख सकते हो, हमें ना ये 3 बार चैंट करना होता है भाई, हमें 3 बार ये चीज़ बोलनी होती है, उसके बाद हमें दरवाजे पे ना अपने घर के जिस पे हम ये कर रहे होते हैं उस दरवाजे पे हमें 3 बार नॉक करना होता है। और ये चीज़ रात के 3 बजे होनी चाहिए। तो मैंने आपको टाइम अभी दिखाया ही था भाई, रात के 3:13 तब हो रहे थे, अभी शायद 3:30 समथिंग हो रहे होंगे। तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू कॉन्टैक्ट स्पिरिट्स। तो मैं बोलता हूँ भाई, स्पिरिट ऑफ द डोर वी वेलकम यू, मेक योर सेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू। स्पिरिट ऑफ द डोर वी वेलकम यू, मेक योर सेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू। स्पिरिट ऑफ द डोर वी वेलकम यू, मेक योर सेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू। अब हम इस पे कोई क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद दरवाजे के नीचे से उसको स्लाइड करेंगे। अब लिखना स्टार्ट करते हैं भाई, देखते हैं कि हम किसी स्पिरिट से बात कर पाते हैं कि नहीं पाते। मैं लिखता हूँ कि हाय स्पिरिट हाउ आर यू, नहीं हाय स्पिरिट आर यू देयर, सबसे पहले पूछता हूँ कि आर यू देयर। मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी कोई है नहीं, तो इग्नोर करना भाई। हाय स्पिरिट, मेरी कैंडल कुछ ज़्यादा ही फ्लिकर हो रही है भाई, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस और नॉट, इट इज़ फ्लिकरिंग अ बिट टू मच राइट नाउ। आर यू देयर, इसे वैक्स गिर गई लेकिन कोई बात नहीं। हमें ना सबसे पहले ना इसको ना पूरा स्लाइड नहीं करना होता, मैं थोड़ा सा ना यहाँ तक डालना होता है, जो मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैंने वीडियोस में ऐसा देखा कि ये ना अपने आप ऐसे ना खिंच जाता है अंदर की तरफ, तो देखते हैं ये खिंचता है कि नहीं खिंचता है भाई। कैंडल पड़ी हुई है यहाँ पे और ये मार्कर भी पड़ा हुआ है, लेट्स सी कुछ होता है कि नहीं होता भाई, लेट्स सी। मैं करता रहूँगा भाई पूरा आखिर तक, मेरे को ट्राई करना है इस पर से कनेक्ट करने का, तो आई विल जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। अभी मैंने दरवाजे के नीचे स्लाइड करके रख दिया ये, उधर से कोई फोर्स लगती है उधर से खींचता है, मैंने ऐसे वीडियोज़ में देखा है, बट अभी तक आई एम नॉट फीलिंग एनी थिंग, लेट्स सी कुछ होता है कि नहीं होता। मैं थोड़ी देर वेट करूँगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं वो वापस लेके ना उस पर ना कुछ नया टेक्स्ट लिखूँगा, क्योंकि उस पर कैंडल की वैक्स भी गिर गई थी भाई,
सो मैं इस पर कुछ नया टेक्स्ट लिखूंगा, उसके बाद मैं दरवाजे के नीचे से उसको भी स्लाइड करूंगा, अलग अलग क्वेश्चंस करता रहूंगा जब तक जवाब नहीं आता है, देखते हैं क्या होता है गाइस। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। मैंने रिचुअल भी परफॉर्म कर लिया, अभी रात के 3 भी बज रहे हैं, बट नथिंग इज़ हैपनिंग राइट नाउ। सो मैं इसको दरवाजे के नीचे से वापस निकालता हूँ और मैं अब कुछ नया लिखता हूँ उस पेपर पे, फिर देखते हैं स्पिरिट हमें कुछ बताती है कि नहीं बताती है। मैंने हाई स्पिरिट लिखा था, बट मैंने ना अपनी एक वीडियो में ना, जिसमें मैंने वो वन मैन हाइड एंड सीक जब मैंने खेला था, तब मैंने ना, मेरे को याद है, मैंने ना अपने स्टफ, जो मेरा जो टेडी बेयर था, स्टफ टेडी बेयर, उसका ना मैंने नाम चार्ली रखा था, हाई चार्ली प्लीज टॉक टू मी। मैं इसको लिखने वाला हूँ हाई चार्ली प्लीज टॉक टू मी, क्योंकि मैंने उस वाले में भी अपना ना उसका जो स्टफ टॉय था उसका नाम चार्ली रखा था। उसके बाद एक्चुअली घर में कुछ एक्टिविटीज हुई थी। हाय चार्ली, प्लीज टॉक टू मी। ओके, स्माइली बना देता हूँ। तो लेट्स डू इट गाइस। चार्ली, अगर आप दरवाजे के उस तरफ हो तो प्लीज इस पेपर को स्लाइड कर लो अपनी तरफ और मेरे को इस पर लिख के जवाब बताओ कि आप वहाँ पर हो। इफ़ यू कैन नॉट राइट, अगर आप लिख नहीं सकते तो कम से कम इसको स्लाइड ही करके बता दो भाई कि यू आर देयर। आई वांट टू सी कि कोई स्पिरिट है कि नहीं है मेरे घर में इस वक्त, जो मेरे से कनेक्ट करना चाहती है। प्लीज़ डू इट, आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू। गाइस स्टिल नथिंग इज हैपनिंग। मैंने इसके नीचे से उसको रखा हुआ है स्लाइड करके, नथिंग इज हैपनिंग। ऑलराइट सो गाइस, तो ब्लडी मारी करने से पहले भाई मैं आप लोगों को बस ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज प्रे फॉर मी, क्योंकि अभी मैं ना कैंडल लेके ना ब्लडी मारी ट्राई करने वाला हूँ भाई। ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता, मतलब ये बिल्कुल भी सेफ नहीं भाई दो रिचुअल्स को मिक्स करना, बट आई एम स्टिल गोइंग टू डू इट। मुझे आज किसी भी हालत में स्पिरिट से कनेक्ट करना है, इससे स्पिरिट के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लेट्स डू इट। मेरे को लगा दिया दरवाजे पे, लगा दिया भाई, तो दरवाजा एक तरह से पोर्टल लाइक कुछ तो होना चाहिए भाई अब तो। और अब मैं ब्लडी मारी बोलने वाला, ये मेरा कैंडल है, मैं 13 times 13 times में ब्लडी मारी चांट करने वाला हूँ भाई। कैंडल को हाथ में लेता हूँ, एक काम करता हूँ, 13 times मेरे को बोलना है। ऑलराइट, ब्लडी मारी, 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 ब्लडी मारी। तो अब मैं काम करता हूँ, मैं ना अपने ना लाइट को ऑफ कर देता हूँ भाई। अब मैं बिना लाइट के भी ना 3 times ब्लडी मारी बोल लेता हूँ, ब्लडी मारी, ब्लडी मारी, ब्लडी मारी। बोला सो गाइस, तो अब मैं ना स्पिरिट से ना बहुत ही ना गलत सवाल पूछने वाला हूँ। ये चीज़ आपको ना स्पिरिट से कभी भी नहीं पूछनी चाहिए कि उसकी डेथ कैसे हुई थी, वो स्पिरिट कैसे बना, वो इंसान से स्पिरिट कैसे बना। बट आई एम गोइंग टू ट्राई इट, मैं ना इससे पूछने वाला हूँ, हेलो स्पिरिट ऑफ द डोर, हाउ डिड यू डाई, आपकी डेथ कैसे हुई थी। ये चीज़ आपको स्पिरिट से कभी भी नहीं पूछनी चाहिए गाइस कि स्पिरिट कैसे मरी थी। उनको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ सकता है, लेकिन मेरे को स्पिरिट की प्रेजेंस चाहिए अभी इस वक्त अपनी वीडियो में। दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू आस्क दिस। डो नॉट ट्राई दिस एट होम गाइज, दिस कुड टर्न रियली बैड, बट आई एम स्टिल गोना बी डूइंग इट गाइज। सो या लेट्स डू इट। आप ये चीज़ें घर पे बिल्कुल मत ट्राई करना गाइज, आई डोंट सजेस्ट इट टू यू। हेलो स्पिरिट, हाउ Did you die? Oh, all right. I'm taking a big risk right now, but let's do it. I've done something really stupid, guys. I think. मेरे को नहीं करना चाहिए था भाई, मैंने स्पिरिट से पूछ दिया कि उसकी डेथ कैसे हुई थी। I'm just going to wait for some time. अभी देखते हैं भाई कुछ होता है कि नहीं होता है। स्पिरिट, अगर आप यहाँ पर हो तो इस वाले पेपर को ना अंदर स्लाइड करके दिखाओ, मेरे को देखना है कि आप यहाँ पर हो कि नहीं हो। Please show me your presence. मेरे को देखना है कि आप यहाँ पर हो कि नहीं हो भाई, प्लीज। व्हाट द हेल, व्हाट द हेल, कौन है, व्हाट द हेल,
क्या हुआ ये? What the hell, man? I don't know, guys, अभी क्या हुआ है भाई? तो मेरे को नहीं पता भाई, आपको कैमरे में भी अब आवाज आई है कि नहीं आई है भाई? मेरे को ना जैसे ना मैं अभी बैठा हुआ था, मैं स्पिरिट को बोल रहा था कि प्लीज आप मेरे को अपनी प्रेजेंस दिखाओ, ये वो। मेरा जो मार्कर है ना, मेरी ना बैक पे आके उड़ के लगा है, पता नहीं क्या हुआ है। बट मैंने अभी तो भाई मेरा पेपर, पता नहीं मैंने अपनी ड्रॉइंग नोटबुक कहाँ रखी हुई है यार। मेरी ड्रॉइंग नोटबुक तो यहाँ पर ऊपर रखी हुई है भाई। ये रही मेरी ड्रॉइंग नोटबुक भाई, ये मेरी ड्रॉइंग नोटबुक है, इसमें मैं सारी की सारी चीज़ें लिख रहा था। बट पता नहीं अभी कैसे, मेरे को नहीं यार, मैंने अपना मार्कर कहाँ रखा हुआ था भाई। मैं भी स्पिरिट को बोला था कि अपनी प्रेजेंस दिखाओ, और मेरे को ना लिटरली जो मेरा मार्कर है मेरी बैक पर आके लगा है भाई, मेरी बैक पर उड़ के आके लगा है। एंड आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। मेरा वेट, मेरा मार्कर मैं कहाँ है एक्चुअली? ये रहा, ये जो मेरा मार्कर है ना भाई, ये मेरे को अभी आके लगा है पीछे से उड़ के। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। मैं भी स्पिरिट को बोलता कि अपनी प्रेजेंस दिखाओ। ऑल राइट सो गाइस, तो मैंने अभी ये रिचुअल कर लिया है भाई। मैंने स्पिरिट से लास्ट से पूछा था कि हेलो स्पिरिट, हाउ डिड यू डाई? मेरे को कोई जवाब तो नहीं आया, वो पेपर मेरा स्लाइड नहीं हुआ, लेकिन मेरे को जो मेरा मार्कर है वो पीछे से आके हिट करा है। मेरे को नहीं पता आप लोग मेरे को बिलीव करोगे कि नहीं करोगे गाइस, बट ये चीज़ असल में मेरे साथ अभी हुई है भाई। एंड आई एम फ्रीकिंग आउट रियली बैड। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ होगा भाई। मैंने सेम मार्कर से ना, मैंने ये भी लिखा है, मैंने रिचुअल भी लिखा है, और वही मार्कर मेरे को पीछे बैक पे आके लगा है भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को लाइक कर दो। लेट्स एम फॉर 30,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो गाइस, 30,000 लाइक्स इस वाली वीडियो पे कर दो। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इफ़ यू लाइक इट, आप मेरे को प्लीज़ नीचे कमेंट में बताओ। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू आरंट ऑलरेडी। अभी के भी चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो। गुड नाइट गाइस, मेरे को नहीं पता भाई मेरे साथ अभी रात को क्या होने वाला है। या दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, मैं जा रहा हूँ, बाय। ऑलराइट सो गाइस, एक सेकंड, व्हाट द हेल। मैंने वीडियो ख़त्म कर ली भाई, आई वॉज स्लीपिंग। बट मेरे को ना मेरे दरवाजे पे ना, मेरे को बहुत ज़ोर से ना नॉक सुनाई दिया अपने सामने वाले दरवाजे पे, जिस दरवाजे पे मैंने भाई अभी कोर्स पेपर चैलेंज करा था। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन गाइस, जस्ट प्रे फॉर मी। एंड आई एम स्टॉपिंग द वीडियो राइट नाउ भाई। गुड नाइट।